मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ रक्षा संवाद के समापन सत्र में कहा कि गौ पालक ही गाय का महत्व समझता है। हमारे देश में गाय पालना, गौशाला चलाना पवित्र काम माना जाता है। हमें गायों को घर में ही पालने का प्रयास करना चाहिए। यदि घर में पर्याप्त जगह है तो गाय अवश्य पालें। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रदेश में गौवंशों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि को अब और बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गौ रक्षा संवाद निरंतर होता रहेगा। इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि गायों और गौशालाओं के बेहतर प्रबंध के उपाय किए जा सके। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों पर अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पंचायतों को भी सहयोग किया जाएगा। गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रदान की जाएगी। कृषि क्षेत्र में खेती की आय से जो आय होती उस आय का अपना महत्व, लेकिन हमारे यहाँ सदैव से यह रहा है कि केवल कृषि आय पर निर्भर नहीं रहता किसान। रोजमर्रा के खर्चे के लिए पशुपालन का भी उसके पास व्यवसाय होना चाहिए, और पशुपालन के व्यवसाय होने के नाते से माननीय मंत्री जी के साथ हम गुजरात भी गए थे, अमूल लेने वाले किसान रांची वालों को भी लेके बैठे। कैसे भी करके ये दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाए, और उसके परचेस करने के बाद उसके उपयोग की लेकर के सरकार क्या प्रोत्साहन दे, इस पर भी काम करना है आने वाले समय में। इसलिए अपनी गौशालाओं के बारे में आपका अच्छा सुझाव आया कि गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पर खड़ी होना चाहिए। इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे। ये सरकार का पहला नियम है, और फिर क्रमश मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएगा। जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएगा, इसमें कोई संकोच नहीं। दूसरा, गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपये मिलते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपये।